तो दोस्त आप लोगों को दीपावली एंड छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्त अगर आप लोग चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को एडिट करना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद एक बार न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद 16:9 वाले रेशियो को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ इमेज, तो इमेज पे क्लिक कीजिएगा। इसमें से किसी एक कलर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं ब्लैक कलर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो सिंपल से एक बार यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद जितना सेकंड का वीडियो एडिटिंग करना हो आप लोगों को, उतना सेकंड तक इस ब्लैक कलर को बढ़ा लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद इसके शुरू में आ जाइएगा। उसके बाद एक बार यहाँ से बैक कीजिएगा इस एरो पे क्लिक करके। उसके बाद एक बार लेयर पे क्लिक कीजिएगा। तो लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक कर लीजिएगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जिस फोटो से आप लोग वीडियो एडिट करना चाहते हैं उस फोल्डर में जा करके उस फोटो पर क्लिक कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फोटो ऐड हो चुका है कुछ इस तरह से। तो इस तीर पर पकड़ के आप लोग को पूरा इसे फुल स्क्रीन पर कर देना है कुछ इस तरह से। थोड़ा बड़ा करके रखिएगा। उसके बाद फोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना पे एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा चाबी का। तो सिंपल से इस चाबी के लोगो पे क्लिक कर लीजिएगा। चाबी पे लोगो को क्लिक करने के बाद फोटो के कुछ इतना दूर पे आ जाइएगा। तो आ जाने के बाद इस प्लस के लोगो पे एक बार क्लिक कीजिएगा। प्लस के लोगो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरफ ले जाना है धीरे धीरे, कुछ इस तरफ ले जाइएगा। उसके बाद फिर से कुछ दूर पर आ जाइएगा फोटो के कुछ दूर पर। उसके बाद फिर से इस प्लस के लोगो पे क्लिक कर लीजिएगा और फोटो को इस तरफ लाना है धीरे धीरे कुछ इस तरह से। और फिर से आप लोग कुछ दूर पे आ जाइएगा फोटो के कुछ दूर पे आ जाने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर से इस तरफ ले जाना है धीरे धीरे। फिर से कुछ दूर पे आ जाइएगा। आ जाने के बाद फिर से इस प्लस के लोगो पे क्लिक कीजिएगा और फिर से कुछ इस तरफ लाना है धीरे धीरे। तो यहाँ से एंड तक कर लीजिएगा यहाँ तक। चलिए मैं फटाफट एंड तक कर लेता हूँ। एंड तक करने के बाद फिर से इसी फोटो पे क्लिक कीजिएगा और फोटो को ब्लैक कलर के एंड तक बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह बढ़ा देने के बाद इसके शुरू में आ जाइएगा। शुरू में आ जाने के बाद फिर से एक बार यहाँ से बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद फिर से आप लोग को एक बार लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दो नंबर में इफेक्ट लिखा हुआ है यानी कि एफएक्स, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग लैनर्ड मास्क पे क्लिक कीजिएगा। अगर लैनर्ड मास्क आप लोग के पास नहीं है हाई तो इस वाले लोगों पर क्लिक कीजिएगा, घर वाले लोगों पर। तो घर वाले लोगों पर क्लिक करने के बाद इस वाले लोगों पर यानी कि सर्च वाले लोगों पर क्लिक कीजिएगा। सर्च वाले लोगों पर क्लिक करने के बाद आप लोग को इसमें लिख लेना है लाइनर मास्क, LINER। उसी तरह से लाइनर मास्क लिखिएगा तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा लाइनर मास्क। तो सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके। तो मेरे में पहले से डाउनलोड है तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, फिर से बैक कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद लाइनर मास्क पर सिंपल से क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ से एक बार बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद आप लोग को सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फेदर को 26 या 27 के आसपास रखिएगा कुछ इस तरह से। रखने के बाद यहाँ से एक बार बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद इसे ब्लैक कलर के एंड तक बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरह से और इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद इतना पे एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके शुरू में आ जाइएगा। शुरू में आ जाने के बाद यहाँ से एक बार बैक कीजिएगा कुछ इस तरह से, बैक कर लीजिएगा और फिर से एक बार लेयर पर क्लिक कीजिएगा और मीडिया पर क्लिक कीजिएगा। तो करने के बाद इसमें एक लिरिकल सॉन्ग को ऐड करना है। तो सिंपल से जिस फाइल में लिरिकल सॉन्ग होगा तो लिरिकल सॉन्ग पर जा करके क्लिक कर लीजिएगा। तो लिरिकल सॉन्ग पे कुछ इस तरह से क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। देख सकते हैं ऐड हो चुका है। तो कुछ इतना दूर पे आ जाइएगा जहाँ से लिरिकल सॉन्ग शुरू होता है। उसके बाद कुछ इस तरह से नीचे आइएगा तो आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। तो ब्लेंडिंग पर क्लिक कीजिएगा। ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा तो आप लोग को डार्क इन का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल से डार्क इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद अपना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से एक बार बैक कीजिएगा, फिर से एक बार बैक कीजिएगा और लेयर पे क्लिक कीजिएगा और मीडिया पे क्लिक कीजिएगा और इसमें बॉर्डर वाले पीएनजी को ऐड करना है। तो सिंपल से बॉर्डर वाले पीएनजी पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से स्प्लाइड स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिएगा और इसे फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। तो फुल स्क्रीन में करने के बाद एक बार यहाँ से बैक कीजिएगा और नीचे आइएगा, ब्लेंडिंग पर क्लिक कीजिएगा। ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को डार्क इन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से बैक कीजिएगा और इसे भी ब्लैक कलर के एंड तक बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से एक बार यहाँ से बैक कीजिएगा और इसके शुरू में आ जाइएगा। शुरू में आ जाने के बाद आप लोग को लेयर पर क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को मीडिया पे क्लिक करना है। तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद इसमें कलर इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड करना है। तो सिंपल से कलर इफेक्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ऐड हो चुका है। उसके बाद मिक्सर पे क्लिक कीजिएगा और इसके वॉल्यूम को 0 कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बैक कीजिएगा, नीचे आइएगा, स्प्लाइड स्क्रीन पर क्लिक कीजिएगा और इसे भी फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से बैक कीजिएगा, नीचे आइएगा,
ब्रांडिंग पे क्लिक कीजिएगा और स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। इसके शुरू में आ जाइएगा, शुरू में आ जाओ, यहाँ पे लैनर मास्क लिखा हुआ मिल जाएगा जो ऐड किए थे उस पर क्लिक कर लीजिएगा। लैनर मास्क पे क्लिक करने के बाद इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर, तो इस ब्लैक कलर पर क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आप लोग को यहाँ से जो कलर पसंद आए सिंपल से उस कलर पर एक बार क्लिक कीजिएगा। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक बार डन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो अपने पसंद से कलर को इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फिर से इस कलर पे क्लिक करता हूँ और इस कलर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने कलर ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, फिर से एक बार बैक करेंगे, बैक करने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपने चैनल का नाम लिख लीजिएगा या अपने नाम लिख लीजिएगा, चलिए मैं लिख लेता हूँ। कुछ इस तरह से लिखने के बाद यहाँ से ओके कर लीजिएगा। ये भी ब्लैक कलर के एंड तक बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसके शुरू में आ जाइएगा, आ जाने के बाद कुछ इतना दूर पे आ जाइएगा जहाँ से लिरिकल सॉन्ग शुरू होता है। कुछ इतना दूर पे आ जाने के बाद आप लोग को इस पर क्लिक करना है फंड पे, फंड पे क्लिक करने के बाद जो फंड आप लोग को अच्छा लगता है सिंपल से उस फंड पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से डन कर दीजिएगा। करने के बाद कुछ नीचे आइएगा और कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जो कलर आप लोग अपने चैनल का नाम का रखना चाहते हैं सिंपल से उस कलर पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं किसी एक कलर को ऐड कर लेता हूँ, सिंपल से इस कलर पर क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ से डन कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से कलर ऐड हो चुका है। उसके बाद इसे कुछ बड़ा या छोटा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। नीचे में कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से बैक कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का वीडियो बना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को करता हूँ प्ले। तो देख चुके हैं कि कितना इमेजिंग वीडियो लग रहा है। तो सिंपल से इस वीडियो को करना है सेव, तो सेव करने के लिए इस तरीके लोगों पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से सेव एज वीडियो पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तो वीडियो एक्सपर्ट होने लगा है, तो आप लोग इस तरह से इस वीडियो को एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जितना चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ सारा कुछ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।